हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो यार फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद GTA 6 का ट्रेलर आ गया और ट्रेलर ने आते ही तबाही मचा दी और रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। मोस्ट व्यूड वीडियो गेम ट्रेलर YouTube में फर्स्ट 24 आवर्स में 90 मिलियन प्लस व्यूज। मोस्ट लाइक वीडियो गेम ट्रेलर 8.9 मिलियन लाइक्स, वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर। बट यार गेम तो 2025 में रिलीज होगा और तब तक हमें वही पुराने GTA गेम्स खेलने पड़ेंगे। पर ऐसे कैसे तुम्हारे भाई के होते हुए तुम लोग पुराने गेम्स खेलोगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे गेम्स बताने वाला हूँ जिनको आप लोग GTA 6 के लॉन्च होने के पहले आराम से खेल सकते हो। तो यार सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा तगड़ी होने वाली है और लिस्ट में मैंने जितने भी गेम साइड किए वो सारी गेम बहुत ही ज्यादा तगड़े है, इसलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलो यार फिर फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस लिस्ट मैन वाले जो फिफ्थ नंबर का गेम है उसका नाम है GTA ट्रायलॉजी द डेफिनेटिव एडिशन। यस, अब आप लोग इस गेम को अपने मोबाइल में खेल सकते हो। गेम 14 दिसंबर 2023 को यानी कि 5 दिन बाद प्ले स्टोर और एप स्टोर पर रिलीज होगा। एंड ये गेम पेड नहीं है तो आप लोग इसको इजीली डाउनलोड करके खेल सकते हो। बस आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अब जिनको लग रहा है कि ऐसा क्यों है तो देखो यार, अगर ये गेम डायरेक्ट रिलीज होता तो हो सकता है कि इसका प्राइस और भी ज्यादा होता। हो सकता है 200 रुपए होता है तो 500 या फिर 1000 तक भी हो सकता था। और अभी आप लोग 199 या फिर 149 का सब्सक्रिप्शन लेके इजीली गेम को खेल सकते हो और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज एंड शो को भी एंजॉय कर सकते हो। गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बात नहीं यार, अकेले देख लेना, गेम तो खेल ही सकते हो। या फिर आप अपने रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त का पासवर्ड भी ले सकते हो, कुछ खिला पिला देना और पासवर्ड ले लेना फटाफट से। बाकी गेम के बारे में तो आप सबको पता है, तो बस रेडी रहो। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस गेम को लेकर, आप लोग हो या फिर नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो कैसा लिस्ट मैन वाले जो फोर्थ नंबर का गेम है उसका नाम है न्यू RP, एक GTA टाइप गेम है जिसको आप लोग 2024 में खेल सकते हो। यहाँ पर आपको ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिलेगा जिसको आप लोग एक्सप्लोर करोगे, जहाँ पर आप लोग क्राइम करोगे, गैंगस्टर बनोगे। आपको पूरे मैप पे 1000 ऑफ प्लेयर्स देखने को मिलेंगे जिनके साथ आप लोग वॉइस चैट कर सकते हो। आप लोगों को कैरेक्टर कस्टमाइजेशन सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा जिनसे कि आप लोग अपने कैरेक्टर को एक बैडेस्ट कैरेक्टर बना सकते हो, एनिमल मूवी में जैसा है उस टाइप का। और यार आप लोगों ने एनिमल मूवी देखी या फिर नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैंने तो नहीं देखी क्योंकि मैं गरीब हूँ। यहाँ पर आप लोगों को सुपर एंड लग्जरी कार्स देखने को मिल जाएंगे जिनको आप लोग ड्राइव करोगे अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाकर। एंड अभी इसका गेम प्ले भी रिवील हुआ है तो आप लोग यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो, और नहीं करना है तो कोई बात नहीं यार, स्क्रीन के ऊपर भी गेम प्ले चल रहा है तो यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर फ्यूचर में कोई भी अपडेट आती है तो तुम्हारा भाई तुम्हें फटाफट से बता देगा, बट उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो और बन जाओ सिटी के सबसे बड़े गेमर। एंड आप लोग गेम के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो गाइस लिस्ट मैन वाले जो थर्ड नंबर का गेम है उसका नाम है माइंड आइज। ये एक ट्रिपल ए गेम है जो कि साइबरपंक की तरह देखने को मिलने वाला है। इस गेम के बारे में ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं हुआ है, बट गेम के अंदर आप लोगों को फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स, वेपन्स देखने को मिलेंगे। न्यू एंड हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड गेम है। कैरेक्टर कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा, इतना ही बताया गेम के बारे में। एंड मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अगर फ्यूचर में कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को फटाफट से बता दूंगा, बट उसके लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग इस गेम के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो गाइस लिस्ट मैन वाले जो सेकंड नंबर का गेम है उसका नाम है माया नगरी। तो गाइस गेम अभी कमिंग सून है, आप लोग गेम को रजिस्टर्ड कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में गेम की लिंक दे दी है। गेम सेट है बेंगलुरु सिटी के ऊपर। गेम के अंदर आपको ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिलता है जिसको आप लोग एक्सप्लोर करोगे। आप लोग इस गेम को इंडिया का GTA भी बोल सकते हो, जहाँ पर गैंग वॉर्स होंगी, रॉबरीज होंगी। यहाँ पर आप लोगों को बॉलीवुड स्टाइल में कट सीन्स देखने को मिलते हैं। आप लोग अपनी खुद के एम्पायर को बिल्ड करोगे रॉकी भाई की तरह। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी सुपर कार्स देखने को मिलेंगी जिनको आप लोग ड्राइव करोगे, चलाओगे अपने मर्जी से। आपकी सिटी होगी, आपके रूल्स होंगे। गेम 2024 में रिलीज हो सकता है, अभी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो यार ओवरऑल गेम बहुत ही तकड़ा है। आप में से कितने लोग गेम का वेट कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो गाइस लिस्ट मैन वाले जो फर्स्ट नंबर का गेम है उसका नाम है मुंबई गलीज। ये एक अपकमिंग ओपन वर्ल्ड गेम है जिसको गेम इन स्टूडियो डेवलप कर रहे हैं और ये गेम अनरियल इंजन 5 में बन रहा है। तो आप लोग सोच ही सकते हो यार ग्राफिक्स कितने ज्यादा तगड़े होने वाले हैं। इस गेम को आप लोग इंडिया का GTA भी बुला सकते हो। गेम के अंदर आपको मुंबई सिटी देखने को मिलेगी जहाँ पर आप लोग क्राइम करोगे, बिजनेस करोगे और सिटी के सबसे बड़े गैंगस्टर बनोगे। अब यार आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले ही IGDC का एक इवेंट हुआ था। अब जिनको नहीं पता IGDC क्या होता है उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। IGDC इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर पूरे साल में एक बार सारे गेम के डेवलपर, सारी गेम की कंपनी के ओनर्स सब लोग मिलते हैं। और इंडिया के नहीं बाहर के भी काफी बड़े बड़े गेम डेवलपर और कंपनी ओनर्स आते हैं, लाइक क्राफ्टन, एपिक गेम और भी बहुत सारे। यहाँ पर न्यू गेम्स के डेमो को प्ले करने का मौका मिलता है। तो यार इस बार IGDC के अंदर मुंबई
मुंबई गलीज को भी रखा था एंड मैंने यूट्यूब पर इसके गेम प्ले के मल्टीपल वीडियोस चेक किए एंड सबके मिक्स्ड रिव्यू थे। गेम पहले से अच्छा है बट अभी काफी सारी चीजें लाइक एनिमेशन, डायलॉग्स, मैंने तो नहीं खेला है बट हाँ देखने में उतना तगड़ा नहीं लग रहा है, डिसेंट लग रहा है। और टेंशन मतलब निखिल सर की तरफ से एक अपडेट आ चुकी है कि 2024 में जनवरी से मार्च के बीच में हम लोग इस गेम को खेल सकते हैं। अभी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है, वेट कर लेते हैं क्या दिक्कत है। बाकी मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आप लोग हो या फिर नहीं मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। तो यार बस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप हमारा सेकंड चैनल शॉर्ट का जो चैनल है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। मैं वहां पर भी गेमिंग की अपडेट देता रहता हूं और बहुत ही तगड़ी तगड़ी शॉर्ट्स अपलोड करता रहता हूं, आप लोग एक बार देख सकते हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी कमी लगे तो प्लीज यार मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो प्लीज मुझे कॉमेंट जरूर करना, मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।